भले ही स्कल क्रॉलर और टाइटानोबोआ के बीच के जंग में स्कल क्रॉलर बाजी मार गया हो, और इस जंग में टाइटानोबोआ का हारना इसलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि ये कोई काल्पनिक नहीं बल्कि असल पुराने जीव हुआ करते थे। वह स्कल क्रॉलर काल्पनिक दुनिया का एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो अपने कई प्रकार की अनोखी शक्तियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में क्या हो जब टाइटानोबोआ की जगह इस जंग में पिराना की शकल वाला पिराना कोंडा कूद पड़े। ऐसी स्थिति में क्या तब भी स्कल क्रॉलर अपने जगह टिका रहता है या पिराना कोंडा की नुकीले दांते स्कल क्रॉलर की खोपड़ी फोड़ देती है, और क्या इस मुकाबले में भी स्कल क्रॉलर इतने विशाल काल्पनिक सांप को मार पाएगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पिराना कोंडा की पहली झलक हमें देखने को मिली साल 2012 में आई पिराना कोंडा मूवी में, जिसमें यह दिखाया गया कि कुछ वैज्ञानिकों के दल को जंगल में पिराना कोंडा के अंडे दिखते हैं जिसे वे चुरा कर वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन ये बात उन अंडों के पेरेंट्स यानी पिराना कोंडा के जोड़ियों को पसंद नहीं आती, और दोनों ही सांप निकल जाते हैं मौत के एक ऐसे सफर में जिसमें लोगों के दर्दनाक मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अगर पिराना कोंडा के सकल सूरत की बात करें तो यह बेहद ही डरावना दिखता है क्योंकि इसका सिर किसी विशालकाय पिराना मछली की तरह दिखता है। साथ ही इसके दांत बड़े शक्तिशाली होते हैं। पिराना कोंडा की आंखें वैसे तो काफी छोटी होती है, लेकिन जंगल में इसके आंखों से कोई छिप नहीं सकता। ऊपर से इसके चेहरे में काली लकीरें इसे यूनिक लुक देती है। इसका बाकी शरीर ठीक एनाकोंडा की तरह होता है जो कि पीले रंग के ऊपर थोड़ी बहुत काले धब्बे पाए जाते हैं। पिराना कोंडा दो शब्दों से मिलकर बना है, पिराना और एनाकोंडा, जिस वजह से इसमें दोनों की शक्तियां मौजूद होती है। लेकिन यह 60 से 70 फीट विशाल हाइब्रिड है। वैसे तो इस मॉन्स्टर के वजन को लेकर कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा लगता है कि यह करीब 6 से 7 टन भारी होगा, और पिराना कोंडा की रफ्तार भी लाजवाब की होती है। इतने भारी और विशाल शरीर होने के बावजूद भी ये काफी तेज गति से गाड़ी का पीछा कर रहा था। पिराना कोंडा पानी में भी बोट का पीछा इतनी रफ्तार से कर रहा था मानो ये बोट को पकड़ ही लेता, और एक अनुमान के मुताबिक ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है, जो अपने इसी रफ्तार को मेंटेन करते हुए अपने शिकार को भी मार सकता है। इसके बाइट फोर्स की बात करें तो इस बात का अनुमान लगा पाना जरा मुश्किल है, लेकिन इसके हमले करने के तरीकों को देखें तो इसके एक ही बाइट से इंसान के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये इंसान को ऐसे मार देता है मानो वो इंसान ब्लास्ट होकर फट गया हो। तो इस हिसाब से इसकी बाइट फोर्स टीरेक्स से भी ज्यादा होनी चाहिए। और जब ये उछलकर उड़ते हेलीकॉप्टर को दबोचता है उससे दो बातें पता चलती है। पहला, ये काफी अजाइल होते हैं, और दूसरा, इसकी बाइट फोर्स लगभग 5 से लेकर 6 लाख PSI के बीच होगी जो कि एक टीरेक्स के बाइट फोर्स से थोड़ी अधिक है। पिराना कोंडा की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यह काफी हद तक ड्यूरेबल है क्योंकि इस पर गोलियां का कोई असर नहीं होता। इसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है जिसे सामान्य से हथियार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन इस पर रॉकेट लॉन्चर और एक्सप्लोजन से हमला होते ही इसे काफी नुकसान पहुंचता है, और इसके मुंह में एक्सप्लोजन जाने पर इसका पूरा मुंह ही ब्लास्ट होकर तबाह हो गया था, जिससे पता लगता है कि यह ड्यूरेबल तो है लेकिन उस हद तक नहीं जैसा कि स्कल क्रॉलर है। वहीं बात करें स्कल क्रॉलर की तो इसकी बनावट हड्डियों की खोपड़ी वाला छिपकली जैसा दिखने वाला दानव है जो स्कल आइलैंड के जमीन के अंदर रहता है और समय दर समय भूख मिटाने के लिए जमीन के बाहर निकलकर शिकार करता है, जिस वजह से इसे स्कल आइलैंड का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो इसकी पूंछ किसी सांप की तरह लंबा होता है, साथ ही इसका जीव मुंह से काफी दूर तक बाहर निकलकर दूसरे जीवों पर हमला कर सकता है। जिस तरह से विशाल सांप अपने शरीर से दूसरों पर कुंडली बना सकते हैं, ठीक वैसा ही स्कल क्रॉलर भी अपने दुश्मन के चारों ओर कुंडली बनाकर उसे लपेट सकता है और फिर कुंडली में लपटे जीव को काफी दूर उछालकर फेंक सकता है। इसके बड़े खुलने वाले मुंह से इसका जीव किसी बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और अपने दुश्मन को लपेट कर अपने गले तक पहुंचा लेता है। ठीक पिराना कोंडा के ही भांति इसके दांत रेजर के समान धारदार पाए जाते हैं और इसकी जबड़ों की पकड़ को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
लेकिन जो बात इसे पिरानाकोंडा से अलग बनाती है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये गन फायर से लेकर ब्लास्ट तक को झेल सकता है और जमीन के नीचे रहने के कारण आग की गर्मी भी इसे नहीं झुलसा सकती। वैसे तो आम इंसान इसे मारने की सोच भी नहीं सकते। ऊपर से इसका रफ्तार, फुर्ती और विशाल आकार की वजह से ये इंसानों के लिए मौत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते और इससे इंसानों का बच पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये काफी अकलमंद होता है, जिसका सबूत आप देख ही चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों का मुकाबला होता है तो स्कल क्रॉलर की अवस्था इस बैटल को डिसाइड करती, क्योंकि अपने 35 फीट की आकार या बच्चे वाली अवस्था में ये पिरानाकोंडा से जीत नहीं पाता। मगर स्कल क्रॉलर 194 फीट विशाल बढ़ सकता है और ऐसी अवस्था में पिरानाकोंडा स्कल क्रॉलर से कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पिरानाकोंडा अपने दांतों के अलावा किसी और अंग से हमला नहीं कर सकता। वहीं स्कल क्रॉलर अपने दो लिम्स की मदद से पिरानाकोंडा का मुंह पकड़ सकता है और उसे काफी आसानी से मार सकता है, क्योंकि पिरानाकोंडा उतना ड्यूरेबल नहीं है। खैर, आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।